दोस्तों वेलकम बैक, मैं एक बार दोबारा आप लोगों का स्वागत करता हूँ आपके चैनल पे। अभी आप मेरे बैकड्रॉप में देख रहे हैं, जिस जगह पे मैं खड़ा हूँ अभी, ये वही ऐतिहासिक पटना, बहुत ख़ास फेमस है ये जगह। और मैं आपको बताने वाला मैं किस वजह से यहाँ पे आया हूँ। तो उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बता देना चाहता हूँ, ये आप देख सकते हैं कि पटना जंक्शन है मेनली, और इसके चारों तरफ मैं घुमा हूँ। तो ये देखिए बहुत खास तौर एक और एक निशानी है पटना जंक्शन की, और इसके जस्ट पीछे ही है बहुत ही यहाँ का फेमस मंदिर, जिसको जो भी महावीर मंदिर के नाम पे जाना जाता है। और ये पटना जो शहर है, सिर्फ एक शहर ही नहीं है, इनके साथ साथ कई पूरा इतिहास जुड़ी हुए है सदियों से, और कई शतकों से लोग इनके इतिहास के बारे में जानते हैं। तो इस इतिहास से और एक बार मैं आपको रूबरू कराने के लिए इस शहर के पास लेके आया हूँ मैं, और यहाँ पे मैं दिखाने वाला हूँ क्या क्या एक दो और एक अच्छी लोकेशन, उस लोकेशन के बारे में एक ही मैं बताऊँगा। एक बार सबसे आप लोगों को गुजारिश कर रहा हूँ कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, आपके चैनल की वजह से और आप लोगों के सब्सक्राइब की वजह से मुझे मोटिवेशन मिलता रहेगा। ये काफ़ी आप देखेंगे कि इनकी खूबसूरती बहुत पहले से काफ़ी रिनोवेशन का काम हो चुका है यहाँ पे, और बहुत ही खूबसूरत बनाया गया पहले से। और अगर लोग इस लोकेशन को अगर बहुत साल बाद देख रहे होंगे तो उनको पता लग गया होगा कि काफ़ी ज़्यादा चेंजेस आया हुआ है। शायद कुछ चेंजेस आपको देखिए यकीन नहीं आएगा जब तक आप सामने देख पाएंगे। तो मैं थोड़ा सा नज़दीक जाके इसको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए सारे कितना सिस्टमेटिक हो रखा है यहाँ पे, ये स्टैंड है और इसके सामने काफ़ी जो यू नो शॉपिंग कॉम्प्लेक्स वगैरह भी है। इसके सामने ये महावीर मंदिर का आप देख सकते हैं, आपको मैं जैसे घुमा के दिखाऊँ, ये है कि महावीर मंदिर जहाँ पे अभी इस टाइम पे पूजा पाठ चल रहा होगा। मैं थोड़ी देर बाद इसको मैं अंदर भी चल के दिखाऊँगा यहाँ पे। अभी शायद आपको दिखाई दे रहा होगा ये जो मेन एंट्रेंस है स्टेशन का, आप देख सकते हैं ये इसकी खूबसूरती कैसे बढ़ाई गई है। और सही में बहुत ही एक अभी चारों तरफ से लाइट भी जल रहा है इस टाइम पे, कितना खूबसूरत लग रहा है आप देख सकते हैं यहाँ पे। मैं जैसा आपको बता रहा था कि अभी मंदिर का जो मेन जहाँ पे पूजा हो रहा है वो पूजा का स्थल भी आपको दिखाने वाला हूँ। चलिए यहाँ पे देखिए लोग बैठे हुए हैं पूजा के टाइम पे, कितना खूबसूरत मंदिर बना है आप देखिए।
और एक वेलकम बैक टू माई चैनल वंस अगेन। एक सुबह सुबह मैं आपको स्वागत करता हूँ। अब इतिहास का पन्ना पलटते हुए हम चलते हैं एक अच्छी जगह पे, जो एक बिहार में है और इस जगह का नाम है राजगीर। शायद मैं पहले बता दे रहा हूँ, फिर उसके बावजूद मैं लेके चलने वाला हूँ। आप मेरे साथ बने रहिए, मेरे साथ चलते रहिए। एक खूबसूरत एक जगह है, लोकेशन से। हालांकि इस जगह के बारे में काफ़ी लोग जानते हैं, लेकिन दूसरी तरफ से जो और एक तरीके से मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। आज मेरे साथ इस जगह जब पे जाने वाले हैं, इसमें कई सारे मेरे दोस्त भी हैं, होस्ट भी हैं, बहुत सारे इसमें और जाने वाले हैं जो मेरे साथ देने वाले हैं। थोड़ी देर में हम उनके सबके साथ पर आपको परिचय करवा देंगे, सबके साथ मिलवा देंगे। तो चलते रहिए और इन्जॉय करिए एक बहुत अच्छा खूबसूरत लोकेशंस, जिसके बारे में एक एक चीज़ बताएंगे, कैसे हम यहाँ पर जाते हैं, कहाँ कहाँ से लोग पहुँचते हैं और इसकी स्पेशलिटी क्या है, और कुछ और तरीके से नई तरीके से दिखाने की कोशिश करेंगे। तो लेट्स गो। ये लिखा हुआ, ये गेट लिखा हुआ है सामने, मतलब तो हम अभी पहुंच रहे हैं सोन मंडर गेट के सामने। यहाँ पे अभी चल के देखते हैं कि क्या है क्या नहीं, कुछ बताने की कोशिश करेंगे। लेकिन तो यहाँ पे हम जा पूछना पड़ेगा ना कहीं से, ऑनलाइन टिकट बुक करने का पूरे वेबसाइट टाइप से। दोस्तों अब ये देखिए कि सोन मंडर का मुख्य द्वार है और यहाँ से अभी हम एंट्रेंस करेंगे। आप देखते हैं कि काफ़ी इसके अंदर क्या क्या है क्या नहीं है, देखती जितना आप लोगों को दिखा पाऊँ। दूसरे तो ये पहाड़ का जो आप देखेंगे जो गुफा टाइप में बना हुआ है, इसका मुख्य द्वार जो है देखने में बहुत ही खूबसूरत है। और आगे और चल के देखते, कुछ सीढ़ियाँ हैं हमें चढ़ना होगा। ये है आपका, तो एक गुफा के अंदर है। कहते हैं कि यहाँ पे एक बहुत बड़ा सा सोने का भंडार रखा हुआ है, और एक कई सालों से काफ़ी लोग जो वैज्ञानिक भी आए थे और उनको खोलने की कोशिश की गई थी, लेकिन किसी भी कीमत पे कोई भी जितने भी आए आज तक उसको खोल नहीं पाए। तो उनके बारे में आप दिखाएंगे। हाँ बिल्कुल 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 हाँ। तो आप लोग को स्वागत है सर। ये आपने जिस प्राचीन हिस्टोरिकल प्लेस के देखने आ रहे सर, इस जगह का नाम है सोन भंडार। ए सोन एनी सोन मीन्स होता है सोना, लेकिन टूरिस्ट और इसे सोना समझ कर गए हैं, गोल्ड समझ कर। अच्छा,
दोहक पर देखे एक दरवाजे का निशान, इतिहास बता रहा है किसके पीछे तीन माइल की लंबी गुफा है। ऐसी व्यवहार पर सप्तरणी गुफा पृथ्वी उन गुफाएं से संबंध है यहाँ तक, लेकिन इतिहास में ऐसा चर्चा है कि जब भगवान बुद्ध परिनिर्माण कुशीनगर में किए थे, उनका परिनिर्माण के बाद 3 महीना के बाद प्रथम बौद्ध संघ की सभा 500 भिक्षुओं के साथ रात की सप्तरणी गुफे थी और इसी गुफे के भीतर में बौद्धों का पद पितृभूत सुदपिटक विनय पिटक अभिधम त्रिटक की रचना की गई थी। उन गुफाओं से संबंधित, लेकिन इतिहास में ऐसा चर्चा है कि जब मगध का राजा शत्रुघ्न ऋषि ने गिरफ्तार हुए और उनका लड़का जब अजातशत्रु हुआ तो अपना पिता से राजगद्दी लेने के बाद उनकी पत्नी रानी चेन्ना गुस्से में आकर धन संपत्ति कोसी गुफे के अंदर जय मुनिगण स्वामी जी को दान कर दे। लेकिन वो तो साधित संत थे, धन का आवश्यकता था नहीं, वह अपना साधना मैं तपस्या के बल पर इस गुफे के चट्टानों से बनकर जो प्राचीन काल से बन पड़ा है। जब अंग्रेज सरकार राजकार आ जाया तो मगध का राजा बिंबिसार का खजाना जानकर अंग्रेज सरकार क्या किया, सामने बाला खिड़की से थोक लगाकर खजाना लूटना चाहा, लेकिन टूटा नहीं हाथी दाग। उसी समय भारत का प्रथम वैज्ञानिक डॉक्टर जगदीश चंद्र बसु, जिन्होंने गर्म पानी लेकर के टेस्ट किए और ऐसा रिपोर्ट प्रकाशित किए हैं कि इस पहाड़ के अंदर में काफ़ी विस्फोटक पदार्थ है, जैसे आयरन सल्फर रेडियम एलिमेंट है, और इसी पहाड़ से टच होकर गर्म पानी का झरना जा रहा है। अगर इसे डायनामाइट लगाया जाए तो बड़ी बात नहीं है, टूट जाएगा, लेकिन ज्वालामुखी फटेगा तो एरिया नष्ट हो जाएंगे, हॉट स्प्रिंग का झरना देन एंड देयर क्लोज हो जाएगा। इसलिए भारत सरकार राज का राज करने दिया, ये दरवाजा खोलने के लिए मैंने एक लिपि मांगी, देखो पार्टी आ रहा है, देखिए आप आ जाइए इधर आके, हाँ बताइए। तो यहाँ पर देख रहे हैं सर, ये भाषा को देख रहे हैं जिसका अल्फाबेट संघ किया गया है, संघ लिपि के नाम से प्रसिद्ध है। इसी लिपि के बारे में टीवी चैनल में दिखाया जा रहा है, जो भी इस लिपि को पढ़ेंगे तो संभवतः कैश ऑटोमेटिक बारे हो सकता है। जिस तरह अली बाबा फोर्टी में था, थोड़ा शांति पाएंगे, खुल जाओ बंद हो जाते, लेकिन हमारे विश्व का प्रथम विश्वविद्यालय की तरशिला पाकिस्तान में चला गया, दूसरा नाम मंदा और तीसरा विक्रम किया। उस समय जितनी भी प्राचीन पुस्तक होती है वो नालंदा विश्वविद्यालय में रखी जाती थी, लेकिन 1199 में जब अल्लाह भट्टाचार्य के लिए आक्रमण हुआ वहाँ को आग लगा दिए, प्राचीन पुस्तकें जल गई, जैनियों का थोड़ा तेज बोलिए ना, 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी जी का, कस के बोलने से गूंजेगा, सही बात। तो यहाँ पर तो देख रहे हैं सर, आज से 1700-1800 वर्ष जैन मुनि भैरव देव स्वामी ने अपना साधना परिनिर्माण मोक्ष की प्राप्ति के लिए इतने बड़े पहाड़ काट कर जैन तीर्थंकरों का प्रतिमा प्रतिष्ठान किए हैं, जो यहाँ के हैं अष्टमें तीर्थंकर, जो इसमें तीर्थंकर लॉर्ड ऑफ महावीर स्वामी जी का है। इसके अंदर में आदिनाथ का था, यहाँ पर नेमिनाथ का अष्ट धातु प्रतिमा था, जहाँ से निकाल कर खुदाई करके पुरातत्व डिपार्टमेंट वालों ने नालंदा का म्यूजियम बना बगल वाले के पास। जब
दरवाजे के लिए उसका दागी करके रहते हैं। देखिए सर, यहाँ पर जो देख रहे हैं सर, दो लाइन की शिलालेख, एक गुप्ता पीरियड की है सर, गुप्त ब्राह्मणी है, और इस लिपि की पढ़ाई भारत सरकार द्वारा हो चुकी है। इसका अर्थ निकला है, राजगीर का प्राचीन नाम था गिरी ब्रज, गिरी का मतलब होता है पहाड़ और ब्रज माने होता है बासी। ये पांच पहाड़ियों से राजधानी घिरा हुआ है सर। नंबर वन आता है विपलाचल, सेकेंड का नाम है रत्नागिरी, थर्ड उदयगिरी, फोर्थ सोनागिरी और फिफ्थ नंबर व्यवहारगिरी के अंदर में सोन भंडार गुफाएं अथवा मगध का बादशाह बिंबिसार का खजाना घर के नाम से प्रसिद्ध है। यहाँ पर जैसे देख रहे हैं सर, जो 23वें तीर्थंकर भगवान पार्श्वनाथ का प्रतिमा था, जैनियों का 23rd तीर्थंकर, जिनके माथे पर 7 सर्पों का निशान था, बाहरी पार्ट पर बिंब था, लेफ्ट साइड पिलर, राइट साइड पिलर, ये 1934 पीक में डैमेज हो गया सर। अंदर से जाइए, पहले अंदर से चले जाइए, इधर आ जाइए। जो यहाँ पे है वो हमें इसकी हिस्ट्री के बारे में बता रहे हैं, तो माय व्यूअर्स इनको बड़ी ध्यान से सुन ला, और किताबों में जो हमें मिलती है उससे ज़्यादा बढ़िया तरीके से जो हमें बताने वाले हैं और दिखाने वाले हैं इनकी हिस्ट्री। ये जो देख रहे हैं सर, तो वेस्टर्न केव है, ईस्टर्न केव है। हिंगचंग और फायान साहब जो चाइनीज यात्री थे, हाँ हाँ, उनका भारत यात्रा डायरी के रिपोर्ट के अनुसार जब इस गुफे की खुदाई 1862 में लॉर्ड कनिंघम साहब करवाए थे, तो एक डबल स्टोरी का गुफा प्राप्त हुआ। फर्स्ट एंड सेकेंड ये 1934 तारीख में डैमेज हो चुका है। यहाँ पर आप जितने देख रहे हैं, जो आज से 1700-1800 बरपुर जैन मुनि भैरव देव स्वामी ने अपना साधना परिनिर्माण मोक्ष की प्राप्ति के लिए इतने बड़े पहाड़ काट कर हाथ हथौड़े छेनियों से त्रास के बनाया गया था, उस प्रेम ने मशीन का जिद था नहीं सर। जो भगवान विष्णु के अवतार हैं पद्म प्रभु, लोटस फ्लावर, दूसरी एलिफेंट से अधिक नाम, 24th शंकर लॉर्ड तो महावीर स्वामी जी का, और कॉर्नर में भी महावीर स्वामी जी का है प्राप्त, जिनका एलाइटमेंट निर्जला नदी के किनारे झारखंड में हुआ था। लेकिन ये देखने में इसमें कंट्रोवर्शियल हो रहा है कि बुद्ध का, लेकिन ये भी महावीर स्वामी जी का है, जैनिज्म हो तो। हाँ, लेकिन जितने भी प्राचीन प्रतिमा देख रहे हैं सर, इतिहास बता रहा है जिस तरह से 1199 ईस्वी में अलाउद्दीन बख्तियार खिलजी ने नालंदा पर आक्रमण करके नष्ट किए, उसी तरह से इधर भी गुफाओं को तोड़ डाले हैं, नष्ट कर डाले। तो उस समय ऐसा बताया जा रहा है कि आप लोग जो भ्रमण कर रहे हैं, तो आप लोग और राजगीर का भ्रमण कर रहे हैं। नया राजगीर का विचार किया, बिंबिसार का लड़का अजात शत्रु और उनका लड़का जब उद्यन हुआ, तो इस मनस से राजधानी सीखे पटना में, जिसका प्राचीन नाम थी पाटलिपुत्र। उस समय राजगीर का प्राचीन नाम था गिरी ब्रज, क्राउन दिस फाइव हिल्स, नंबर वन विपलाचल, सेकेंड का नाम है रत्नागिरी, थर्ड उदयगिरी, फोर्थ सोनागिरी और फिफ्थ नंबर व्यवहारगिरी के अंदर में सोन भंडार गुफाएं अथवा बिंबिसार का खजाना घर के नाम से। थोड़ा सा आप मुझे इसके बारे में थोड़ा सा और दो मिनट बता दीजिए, क्योंकि मेरा ये जो है इस चैनल के माध्यम से आपको मैं स्वागत करता हूँ, दुनिया भर के लोग यहाँ पे देखते हैं और उनके बारे में जानना चाहते हैं, तो यहाँ का जो ठीक है आपने बता दिया, लेकिन ये सोन भंडार जो है इसके बारे में और क्या क्या रिसर्च हो चुकी है, या यहाँ का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसको जो रिस्ट्रिक्शन बनाया, आपने बोला है कि यहाँ का एक्सप्लोर बताने के लिए, राइट, और इंटरनेशनल कुछ जो सर्वेयर हैं उनके थ्रू भी कुछ हुआ था, और उन्होंने भी क्या राय दिया इसके बारे में? इंटरनेशनल जो सर्वे किया था, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट बिंबिसार का खजाना घर जानकर तोप लगाया था विंडो से तोड़ने के लिए, लेकिन डैमेज हुआ नहीं सर, तो दाग होकर के रह गया। और इंडियन का फर्स्ट साइंटिस्ट जेसी चंद्र बोस, जिन्होंने हॉट स्प्रिंग लेकर के रिसर्च किए थे, और ऐसा उन्होंने रिपोर्ट प्रकाशित किए हैं किस पहाड़ के अंदर में केवल आयरन सल्फर रेडियम एलिमेंट है, अगर इसे तोड़ा जाए तो टूट जाएगा, लेकिन हो सकता है ज्वालामुखी फट जाएगा तो एरिया नष्ट हो जाएंगे, हॉट स्प्रिंग का झरना वगैरह देन एंड देयर क्लोज हो जाएगा, और भारत वर्ष को भी विश्वास नहीं है कि इसके अंदर सोना चांदी है। सोन का मतलब सुरंग ही होता है, एक तो एक ही।
किंवदंती हैं कि राजा बिंबिसार का तेज था। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, ठीक है धन्यवाद आपको। और इसके बारे में और भी जो चार्टर के लिए और कुछ बताने वाले हैं या और कुछ जानने लायक हैं? हाँ, तो यहाँ से अनदर स्पॉट है मनियार मठ, महाभारतकालीन स्पॉट है। हाँ हाँ, जो मठ का राजा जरासन उसके अंदर माँ ममता के पूजन पाठ किए थे। अच्छा, जब वहाँ की खुदाई 1862 में लॉर्ड कनिंघम द्वारा हुआ तो उसके भीतर से माँ ममता का प्रतिमा, शिवलिंग और बहुमुखी कलश प्राप्त हुआ था। वहाँ से निकाल कर पूरा तत्व डिपार्टमेंट वालों ने नालंदा का म्यूजियम में रखा। उसके राउंड में जो सभी 13 कोटा गति की प्रतिमा है, जो 1934 का बिहार हुकम में टूट गया था, उस राउंड में 5 पहाड़ियों के भीतर में है मनियार मठ। मणि धारण करने वाला इच्छाधारी सब का मंदिर, उसके साइड में फील्ड में 3 यज्ञशाला है, ऐसा इतिहास बता रहा है। केक में दूध, दूसरे में घी, तीसरे में धूप रखा जाता था। माँ पद्मावती मंदिर से जाती थी, दूध पी करके ग्लैड होकर नगरवासियों को सुरक्षा है तो आशीर्वाद देती थी। तो जगह का नाम है मनियार मठ। यहाँ से 1 किलोमीटर जरासन का अखाड़ा है, जहाँ भीम और जरासन से युद्ध हुआ था 27 डेज, और उसी जगह भीम के द्वारा भगवान कृष्ण के इस्तारे पर मारे गए थे, जिसका नाम है रणभूमि जरासन का अखाड़ा। यहाँ से 1 किलोमीटर तो जरासंध का जो अखाड़ा है वहाँ भी जा सकते लोग, देखते हैं आते हैं? हाँ जाते हैं, लेकिन पैदल जाना पड़ता है। अच्छा, अभी साधन नहीं है। हाँ हाँ हाँ, ओ ठीक है, मैं थोड़ा सा एक चीज़ और थोड़ा बाहर घुमा के दिखा देता हूँ, है ना लोगों को। हाँ गाइड सर, ना बेतन भूमि है। नहीं नहीं, सही बात है, सही बात है, बाल बच्चे का टीका है। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए यात्रा है और इनके तो दर्शक आप थोड़ा सा ये जो है इनके सामने जो गार्डन बना वहाँ पे दिखा देते। देखिए कई सारे लोग यहाँ पे इंटरनेशनल टूरिस्ट वगैरह भी आते हैं यहाँ पे। और क्या देख सकते ये गेट है। अच्छा, हम वहाँ हैं। हाँ हाँ, और ये देखेंगे देखा जाए तो भारत में देखिए इतिहास की कोई कमी नहीं है, हर एक जगह जगह पे आप कुछ ना कुछ जरूर मिलता रहता है। तो उसी में से एक प्राचीन जो ये स्पॉट है उसके बारे में मैंने भी आपको बताया। और इस तरह से मैं इस साइड लेफ्ट हैंड साइड से आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये देखिए, ये आप अगर पत्थर का मैं आपको सामने से दिखा सकता हूँ तो आप देखेंगे कि बहुत ज़्यादा सॉलिड या काफ़ी पुराना है ये, और बहुत ज़्यादा पुराना है।